हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आइए आज इस वीडियो में हम पैडागोजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सृजनात्मक लेखन, इसको क्रिएटिव राइटिंग भी बोलते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है ये और इससे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। आप यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक दो नंबर का क्वेश्चन इसमें से हर बार जरूर आता है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक दो नंबर पक्का करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में विषय वस्तु या विचार पहले उत्पन्न होता है और उसकी अभिव्यक्ति बाद में होती है। तो अब ये जानते हैं कि विचार कैसे उत्पन्न होता है, उनको किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, ये इस वीडियो में जानना हमारा मकसद है। तो ये पहले लाइन है, इसमें इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि क्या हमें सीखना है इस टॉपिक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आगे। भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना में सुनना व बोलना वातावरण के अंतर्गत स्वाभाविक तौर पर अर्जित होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ से बन गया है कि सुनना व बोलना क्या होते हैं, स्वाभाविक तौर से अर्जित होते हैं। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है और फिर बोलना सीखता है। और जबकि जो चार कौशल होते हैं भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, उनमें से पढ़ना व लिखना कौशल औपचारिक शिक्षण या प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। बच्चा यदि कोई औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं हम स्कूलों में, वो या कोई प्रशिक्षण है, उसके बिना बच्चा पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाएगा। तो ये भी क्वेश्चन एक यहाँ से तैयार हो जाता है। भाषा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम चिंतन करते हैं। तो हम किस उपकरण के माध्यम से चिंतन करते हैं, भाषा के माध्यम से, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है। इसलिए हमारी भाषा विचार प्रक्रिया और चिंतन को प्रभावित करती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन सीएट में कई बार पूछे जाते हैं कि विचार और चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये दे दिया जाता है। इस प्रकार चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें भाषा यदि ऑप्शन है तो टिक कर देना है आपने सही। आगे देखते हैं, मुरुंदर ने कहा कि भाषा पर मानव का अधिकार होने से बढ़कर भाषा का निरंतर प्रयोग जो कि मानव को उसकी मानसिक शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रोन्नत करता है। तो भाषा पर मानव का अधिकार होने से बढ़कर ये है कि वो किस प्रकार अपनी मानसिक शक्तियों को इससे अधिक प्रयोग करता है, मानसिक शक्तियों का, और उसका समाज में कैसे प्रयोग करता है भाषा का, वो इससे बेहतर है। भाषा को केवल बोलने व सुनने से बढ़कर उसके साथ लिखना और पढ़ना भी है, क्योंकि इससे भाषा का स्वतंत्र विस्तारण हो पाता है। ये भी लाइन बहुत ही बढ़िया एक कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाता है आपका। भाषागत सक्षमता का ऐसे भाषा पर अधिकार होना, जबकि संप्रेषण सक्षमता में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना शामिल है। संप्रेषण अक्षमता क्या होती है, पहले सुनना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर अभिव्यक्ति करना, यही होता है हमारा संप्रेषण सक्षमता। और संप्रेषण सक्षमता है हमारी, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार प्रयोग करते हैं हम। जो व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों में अच्छी तरह से व्यवहार या मतलब उनको सामाजिक परिस्थितियों को हैंडल कर पाता है, उसी को अच्छा मतलब वक्ता कहा जाता है। आगे है, जीन पियाजे द्वारा वर्णित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अनुसार इसकी मुख्य विशेषता है, इसमें विशेष रूप से विचारों की दीर्घ संक्रिया शामिल होती है। आगे देखते हैं सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन का प्रयोग छात्रों में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोशारीरिक योग्यताएं विकसित करने के लिए या विकसित करने में किया जा सकता है। तो सृजनात्मक लेखन है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, छात्रों का संज्ञानात्मक, भावात्मक को और मनोशारीरिक विकास किया जाता है इससे। और सृजनात्मक लेखन लिखने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं वांछनीय या योग्यता हेतु वांछनीय क्रियाएं। सृजनात्मक लेखन लिखना है मान लीजिए आपको, तो उसके लिए क्या क्या क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। पहला है रिपोर्टिंग, किसी घटना की रिपोर्ट लिखना। पहले रिपोर्टिंग की जाती है कि घटना क्या है, उसके बारे में क्या लिखना है। आगे है अनुदेशन, बताना कि कोई काम कैसे होगा, कोई घटना घटी है या कोई काम करना है तो इसके बारे में ये बताना कि ये कैसे होगा। अगला स्टेप होता है अपने सुझाव देना, सुझाव देना अपने, और तर्क, उसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क देना, ताकि क्लैरिफाई हो सके आपका सिद्धांत कितना सही है इस टॉपिक के बारे में। आगे वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्या होता है कि सूचना को व्यवस्थित करना, सूचना को व्यवस्थित करना आखिरी स्टेप होता है। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा जो सृजनात्मक लेख है वो तैयार है और किसी समस्या के समाधान के
लिए बिल्कुल उपयुक्त है ये हमारा सृजनात्मक लेख। ये होता है, इसमें विचार पहले आते हैं, अभिव्यक्ति बाद में की जाती है। अभिव्यक्ति बाद में क्यों की जाती है? क्योंकि उसके बारे में ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं। पहले तो बताते हैं कोई काम कैसे होगा, सुझाव देते हैं, पक्ष विपक्ष में तर्क भी देते हैं, उसके बाद उसको व्यवस्थित करते हैं सभी चीज़ों को, और तभी लिखते हैं, तो वो हमारा सृजनात्मक लेख तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक पेडागोजी का सृजनात्मक लेखन। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आए जो टीचिंग से रिलेटेड हमारा, उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।